keep it going. I'm rolling and flowing. I'm coasting. I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing. I'm owning this flow. You can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall. I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall. No, I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning to profit. You know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable. Cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take them off the throw. Coming to the top, I go, yeah, bro. So hey guys and welcome back to my channel. So this is the all new Maruti Suzuki Ciaz. और अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसकी प्राइसिंग के बारे में हम बात करें तो 8.31 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट होती है एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 11.09 लाख एंड इसमें आपको टोटल 6 वेरिएंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं जेटा अल्फा डेल्टा 1.5 ऑटोमेटिक इसमें आपको एक स्पोर्ट्स वेरियंट देखने को मिलता है एंड इसमें आपको जेटा ऑटोमेटिक देखने को मिलती है एंड अल्फा ऑटोमेटिक देखने को मिलती है एंड ये जो मॉडल आप देख रहे हो ये है आपकी अल्फा और इसकी प्राइसिंग आपको 10 लाख के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एंड दिस इज़ दी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। सो आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी के सारे स्पेक्स को कवर करने वाले हैं। इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं एंड इस गाड़ी की राइडिंग एक्सपीरियंस या फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस हम कवर करने वाले हैं एंड हम इसे कंपेयर करने वाले हैं विद दी ह्यूंडई वर्ना एंड विद दी होंडा सिटी ताकि आप लोग अगर लेने का सोच रहे हो तीनों में से कोई एक गाड़ी एंड आप लोग कंफ्यूज हो तो आप लोग को एक बेहतर आइडिया लग पाएगा कि आप लोग को कौन सी गाड़ी के साथ यहाँ पे जाना चाहिए। सो मेक श्योर आप लोग की वीडियो एंड तक देखें एंड अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू दी अच्छा मोटोवेल चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन। सो विदाउट फर्दर डू चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फ्रंट के बारे में बात करें तो बाय द वे दिस इज़ द की ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड बूट को रिलीज करने का यहाँ पे आपको बटन दिया गया है एंड अगर हम यहाँ पे इसके फ्रंट के बारे में यहाँ पे ध्यान दें तो फ्रंट लुक की अगर हम बात करें तो फ्रंट लुक ये गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है एंड उसके बाद हम इसके हेडलाइट्स की तरफ यहाँ पे ध्यान देंगे तो हेडलाइट्स में आपको फुल्ली एलईडी आपको हेडलाइट्स देखने को मिलती है विद प्रोजेक्टर सेटअप एंड यहाँ पे आपको डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं एंड अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसमें इसके जो लोअर वेरियंट है यहाँ पे आपको येलो कलर की प्रोजेक्टर सेटअप के साथ आपको लाइट्स देखने को मिलती है। बात करेंगे इसके फॉग लाइट्स के बारे में तो फॉग लाइट में भी आपको फुल्ली एलईडी आपको फॉग लाइट्स देखने को मिलती हैं जहाँ पे आपको इसके चारों तरफ क्रोम गार्निशिंग आपको देखने को मिलती है एंड दीज आर द वेंट्स फॉर द एयर इनटेक और फॉर अ लुक आप इसे कह सकते हो एंड उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे इसके फ्रंट ग्रिल्स की तरफ तो फ्रंट में इसके जो ग्रिल्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको बड़ी सी सुजुकी की लोगो देखने को मिलती है जो कि आपको क्रोम फिनिश में है एंड यहाँ पे आपको क्रोम बीडिंग देखने को मिलती है। इसके नीचे ग्रिल में आपको क्रोम बीडिंग देखने को मिलती है एंड ओवरऑल अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे इसके फ्रंट लुक के बारे में तो फ्रंट लुक इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड चलिए इसके साइड लुक की तरफ तो साइड में इसके जो व्हील्स हैं यहाँ पे आपको 195, 55, 60 इंचेस के यहाँ पे आपको व्हील्स दिए गए हैं। इसके लोअर वेरिएंट्स में आपको 15 इंचेस के व्हील्स देखने को मिलते हैं एंड इसकी जो अलॉय व्हील्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको अपोलो की एलनैक 4G आपको टायर्स देखने को मिलने वाली है एंड ओवरऑल अगर आप इसके साइड व्यू से इस गाड़ी को देखोगे तो साइड व्यू भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है एंड मुझे पर्सनली इस गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। इसमें जो आपको जो लाइंस दिए गए हैं, जो कर्व्स दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड इसके हम ORVMs के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं इसके ORVMs पे एंड दीज आर फुल्ली ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको अंदर से ही आप इस ORVMs को कंट्रोल कर पाओगे एंड यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसकी यहाँ पे हैंडल्स में भी आपको क्रोम गार्निशिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलती है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी रेन वाइजर है ये आपको एज ए नेसेसरी यहाँ पे लगी हुई देखने को मिलने वाली है एंड उसके बाद अगर आप अगेन यहाँ पे देखोगे यहाँ तो आप फ्यूल टैंक, यहाँ से आप फ्यूल टैंक को एक्सेस कर पाओगे एंड अब बात करें इसके रियर प्रोफाइल के बारे में तो रियर से भी आप इस गाड़ी को चेकआउट ले सकते हो। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सियाज लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पे आपको सुजुकी की लोगो देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की आपको बैचिंग यहाँ पे देखने को मिलती है एंड उसके बाद आप इसके टेल लाइट्स के बारे में ध्यान दोगे तो टेल लाइट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड यहाँ पे जो आपकी जो लाइट्स है वो आपको एक एलईडी टाइप का ट्रीटमेंट देखने को मिला है बट दीज आर हेलोजन टाइप टेल लाइट्स एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स और बैक लाइट वगैरह आपको देखने को मिलती है, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे नीचे में एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कैमरास वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ध्यान दें इस गाड़ी के रूफ़ की तरफ तो यहाँ पे आपको कोई भी सनरूफ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, वो यहाँ पे अगर ऐड ऑन होती तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती। अब चलते हैं इसके
रियर डोर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो डोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होती है, जिसमें कि आप गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छे आराम से आप जा पाओगे, आपको कोई दिक्कत वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको वुडन टाइप की आपको ट्रीटमेंट दी गई है, यहाँ पे आपको डोर हैंडल पे क्रोम गार्निशिंग आपको देखने को मिलते हैं, दीज आर ऑल पावर विंडोज़। एंड यहाँ पे आपको 1 लीटर की बोतल आप काफ़ी आराम से यहाँ पे आप फिट कर पाओगे। यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल हम इसकी सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो रियर में जो लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप यहाँ पे इसके रियर की आप लेग स्पेस आप देख सकते हो, लेग रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलता है, रियर एसी वेंट्स आपको देखने को मिलती है, जिसकी जो थ्रो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड अगर हम बात करें इसके सीट्स के बारे में तो सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे आपको रियर आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी आपको देखने को मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ हेडरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, सिर्फ दो। यहाँ पे आपको सन बाइंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन दी हॉट वेदर्स। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। एंड अब अगर हम इसके गाड़ी के अंदर बैठ के देखूँ तो जो लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। एंड जो हेडरूम भी है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एंड मुझे पर्सनली इसकी जो हेडरूम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको हैंडल्स देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको इसकी जो सीट्स है वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है कुछ रखने के लिए, अगर आप यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह रखना चाहते हो तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड अगर हम बात करें इसके फ्रंट के बारे में तो चलिए हम चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ, हम देखते हैं वहाँ से इस गाड़ी के लुक को। ओके, सो हम यहाँ पे आ चुके हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल ORVMs आपको देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपको पावर विंडोज ऑल फोर पावर विंडो देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक की बटन देखने को मिलती है। एंड ये जो वुडन फिनिश आपको यहाँ पे दी गई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है, काफ़ी अच्छा एक क्लासी लुक देता है, काफ़ी एक प्रीमियम लुक देता है इस गाड़ी को। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके फ्रंट ड्राइवर सीट के बारे में ध्यान दें तो दीज आर ऑल हाइट एडजस्टेबल। एंड यहाँ पे आप इस सीट को आराम से आगे पीछे कर सकते हो, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक फंक्शन लगती है मुझे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान देंगे इसके डैशबोर्ड की तरफ, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगती है। इसके जो हैंडल है गाड़ी की वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आपको यहाँ पे लुक के साथ आपको दिया गया है। यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम की जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे इसकी जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर की भी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलती है इस वेरिएंट में, इसके लोअर वेरिएंट्स में आपको मैनुअल एसी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो ग्लव बॉक्स है उसकी साइड्स काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना ही उतनी ज़्यादा बुरी है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है ताकि आप अपने यहाँ पे सामान रख पाओगे। एंड यहाँ पे आपको 12V की चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलती है, ऑक्स केबल एंड USB केबल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आर्मरेस्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट दी गई है ताकि आप अपने कुछ भी कॉइन्स वगैरह आप रख पाओगे। यहाँ पे आपको हैंडबैग देखने को मिलती है, सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लाइट्स देखने को मिलती है। एंड उसके बाद यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलती है, जिसके में आपको कोई लाइट्स वगैरह देखने को नहीं मिलती है। एंड इस साइड में आपको बस एक टिकट होल्डर देखने को मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। ओके, सो अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में तो इसमें आपको जो म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे आपको 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके लोअर वेरियंट्स में आपको बस 4 स्पीकर ही आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। एंड बात करें इसके टच रिस्पांस की तो टच रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, थोड़ी बहुत इसमें आपको लैग देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल अगर देखी जाए तो इसकी ये गाड़ी की जो साउंड सिस्टम है वो हम अभी थोड़ी देर में सुन के बताने वाले हैं कि इस गाड़ी की साउंड सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्ले करते हैं एक म्यूज़िक NCS की और देखते हैं कि इस गाड़ी की जो म्यूज़िक सिस्टम है वो आपको यहाँ पे कैसी आपको देखने को मिलती है। ओके, जो म्यूज़िक सिस्टम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर लगी, जो साउंड है, जो क्लैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
एंड इसमें जो बेस वगैरह है वो बेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आपको फील होगी। एंड यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है, यहाँ पे आप इसकी जो साउंड सेटिंग है उसे आप यहाँ पे इसकी जो बेस है उसे बढ़ाया घटा सकते हो, जो ट्रेबल है उसे आप बढ़ाया घटा सकते हो। इसमें आपको इक्वलाइजर्स है वो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं इस गाड़ी के रियर साइड में और देखते हैं इस गाड़ी की बूट को। ओके सो अब हम यहाँ पे बात करें इसके बूट स्पेस के बारे में इस गाड़ी की। तो ये बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे आपको 510 लीटर्स की आपको फूट बूट स्पेस है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसकी जो साइज़ है, यहाँ पे आपको आराम से आप यहाँ पे दो बड़ी और एक मीडियम साइज़ की आप ट्रॉली रख पाओगे, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड बिलीव मी गाइस, कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है, बट इन पर्सन ये जो गाड़ी है ये काफ़ी अच्छे बूट स्पेस के साथ आपको यहाँ पे मारुति ऑफर करती है। चलिए अब हम ओपन करते हैं इस गाड़ी के हुड को। ओके सो दिस इज़ द इंजन बे ऑफ द व्हीकल। एंड यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इंसुलेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड उसके बाद यहाँ पे ध्यान दें तो दिस इज़ द K15 पेट्रोल इंजन, यहाँ पे आपको 1.5 लीटर की आपको इंजन देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको 103 BHP की पावर आपको देखने को मिलती है एंड 138 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क देखने को मिलती है। अब ये इंजन कैसी परफॉर्म करती है ये हम बात करेंगे इस गाड़ी को चलाते वक्त। तो चलिए अब बिना लेट किए हुए इस गाड़ी को लेके चलते हैं एक छोटी सी स्पिन पे। सो इनिशियल इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट लगी। एंड चलिए अब चेक करते हैं इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस। तो इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। और मुझे लगता है कि छोटी सी छोटी अगर स्पेस में भी अगर आप इस गाड़ी को यू टर्न करना चाहोगे तो आप इस गाड़ी को आराम से कर पाओगे। मतलब अगर नैरो जगह है तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल अगर इस टाइप का आपको रोड है तो आप आराम से वहाँ पे आप टर्न ले पाओगे एंड यू टर्न लेने में भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। और बात करें यहाँ पे तो इसकी जो स्टीयरिंग व्हील की जो फीडबैक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैप्टिक फीडबैक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इसके स्टीयरिंग व्हील से। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो इस गाड़ी की जो व्यूइंग एंगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब इसकी जो पिलर है इस पिलर से आपको वैसा कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। जो व्यूइंग एंगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, बहुत अच्छे से आपको रोड की हर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है। और जो सबसे ज़्यादा कूल चीज़ मुझे लगता है वो इसका ये स्पीडोमीटर कंसोल, यहाँ पे जो इसमें आपको जो लाइटिंग दी गई है ना वो वाइट ब्लू एंड ऊपर में जो आप देख पा रहे होंगे कि तो इसमें आपको ग्रीन कलर का लाइट देखने को मिलता है जब आप इस गाड़ी को नॉर्मली चला रहे हो। एंड अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा सा हाई स्पीड पे लेके जाते हो तो वहां पे आपको जो लाइट है ग्रीन वाली वो ब्लू में चल जाती है, तो वो एक मुझे काफ़ी ज़्यादा एक कूल लगता है देखने में एंड नाइट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत मतलब लुक देता है। और ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखें तो इसकी क्लच भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो बात करें अब इसके ट्रांसमिशन के बारे में तो यहाँ पे आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और इसमें आपको एक 4-speed ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बट एक डाउनसाइड मुझे लगता है कि आपको जो 4-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है वो आज से नहीं, वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। एंड इसके जितने भी सारे राइवल्स हैं, चाहे आप वर्ना ले लो या फिर सिटी ले लो, उसमें आपको 6-speed या 5-speed आपको देखने को मिलता है ऑटोमेटिक। तो वो मुझे लगता है कि अगर मारुति यहाँ पे थोड़ा सा उसे अगर इम्प्रूव कर दे, अगर अपने इस गियर बॉक्स को थोड़ा चेंज कर दे तो मे बी आप इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ भी जा सकते हो। और ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी बेकार है, उसमें आपको उतनी ज़्यादा फील नहीं आएगी, गाड़ी वो भी काफ़ी अच्छी है और उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स देखने को मिलता है। बट समय के हिसाब से अपने आपको अपडेट करना पड़ता है, बस वही एक बात है। इसकी जो क्लच वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट लगती है मुझे, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्लच है या फिर आपको ट्रैफिक में उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, तो वो एक बात हो जाती है। और ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो जो गियर की जो अगर आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तो जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट थ्रो आपको देखने को मिलता है गियर शिफ्टिंग में, और काफ़ी मज़ा आता है आप जब इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको समझ में आएगा इस गाड़ी के बारे में। और इसकी जो एसी वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है और काफ़ी इफेक्टिव एसी यहाँ पे आपको दिया गया है। इसमें आपको इस वाले मॉडल में आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है, इसके लोअर वेरियंट्स में आपको मैनुअल एसी देखने को मिलता है, इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है इसका एसी। और अब बात करें इसके सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो यहाँ पे आपको फ्रंट में मैक्स पर्शियन स्ट्रट आपको देखने को मिलता है विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में आपको टॉर्शन बीम देखने को मिलती है सस्पेंशन टाइप। तो सस्पेंशन के मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसका एक चीज़ है कि इसकी जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर है एंड जो आगे वाले जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टीफर साइड पर है, वो कहीं ना कहीं ड्राइविंग एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर दोनों सॉफ्ट होगा तो मे बी थोड़ी बहुत वहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है अगर आप इस गाड़ी को थोड़ा
रफ सरफेस पे लेके जाओगे। बट अगर यहाँ पे गाड़ी को अगर अच्छा है कंट्रोल चाहिए, अगर आपको ऑर्डरिंग में इस गाड़ी को काफी अच्छा है कंट्रोल चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस चीज के लिए यहाँ पे इसका सस्पेंशन सेटअप है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और अब अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसमें आपको जो डायमेंशन है गाड़ी की, तो इसमें आपको 4490 mm की आपको ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है और 1730 mm की आपको विड्थ देखने को मिलती है गाड़ी की, और 1485 mm की आपको हाइट देखने को मिलती है। अब इसे अगर हम कंपेयर करें विद वरना एंड सिटी, तो यहाँ पे वरना से तो ये आगे है बट सिटी से ये कम है। और अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको 1520 kg की इस गाड़ी की ओवरऑल कर्व वेट देखने को मिलती है, तो वेट मामले में भी ये गाड़ी काफी ज्यादा डिसेंट है। और अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm, तो वो एक छोटी सी दिक्कत है क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को थोड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर अगर आप इस गाड़ी को लेके जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि गाड़ी काफी ज्यादा, अगर आप सिंगल चल रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी में अगर लोडेड है गाड़ी तब फिर वहां पे आपको ये जो गाड़ी नीचे में टच करती है तो वो एक थोड़ी सी डाउनसाइड हो जाती है। और अब यहाँ पे हम देखें तो इसमें जो माइलेज आपको क्लेम किया गया है कंपनी की तरफ से वो 20.4 किलोमीटर है, बट इसकी जो रियल माइलेज है वहां पे आपको 13 से 14 km आपको सिटी में देखने को मिलता है एंड 17-18 km/L आपको हाईवे पे देखने को मिलता है, तो वो एक बात है। और अगर हम देखें आप इस गाड़ी की कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो मुझे अच्छी लगी, तो इस गाड़ी की स्पेस, भाई साहब इस गाड़ी की स्पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें आप अगर इसके रियर स्पेस को बात कर लो या फिर इसके फ्रंट में भी अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। और फीचर्स वाइज भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। कंसर्न रहता है लोगों का वो है लो मेंटेनेंस को लेके, तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस है एज़ कम्पेयर टू वरना एंड होंडा सिटी, तो वो भी एक बात हो जाती है इस गाड़ी को ऑप्ट करने में। और अब हम वैसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करें जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इसमें आपको 1.5 लीटर की आपको ओवरऑल इंजन देखने को मिलता है। अब इसके इंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मुझे लगा, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड लगा। बट देखिए यहाँ पे पावर के बारे में, तो यहाँ पे जो इंजन 103 bhp की आपको पावर जनरेट करता है एट 6000 rpm एंड 138 Nm की आपको टॉर्क जनरेट करता है 4400 rpm। पोस्ट अगर आप 2000, 2500, 3000 जाते हो तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से फुल करती है, बट अगर आप उसके नीचे इस गाड़ी को चला रहे हो ना, अगर आपको एकदम से पावर चाहिए तो वो इस गाड़ी में जनरेट नहीं हो पाती है, तो वो मुझे एक छोटी सी डाउन साइड लगी। बट इंजन के मामले में दिस गाड़ी नेल सेट, ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, टॉप मॉडल है, वो भी आपका बस डुअल एयर बैग के साथ आपको आता है ड्राइवर एंड को पैसेंजर सीट के साथ, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे सेफ्टी के मामले में अगर थोड़ा सा इसमें जैसे 6 एयरबैग्स थे इसमें आप लोग ऑप्शन दे सकते थे मारुति वाले, तो वो एक अच्छी बात हो जाती। तो अब हम इसे कंपेयर करें विद दी वरना एंड सिटी, तो यहाँ पे आप लोग को एक डिस्प्ले आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, तो आई होप कि आप लोग को एक मोटा मोटी एक अंदाजा लग गया होगा कि आप लोग को कौन सी गाड़ी चूज करना चाहिए। सो अब बात आती है कि क्या आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं। सो मुझे लगता है कि इस गाड़ी की जो अगर आप ओवरऑल देखें तो मिला जुला कि ये गाड़ी मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि वरना या सिटी को आप ऑप्शन में रखते हो तो वरना आपकी स्टार्ट होती है 9 लाख से एंड जाती है 15.5 लाख तक, और सिटी स्टार्ट होती है 11 लाख के आसपास से और जाती है 15 लाख तक का, और यहाँ पे आपको 11-12 लाख में ही आपको यहाँ पे इसका टॉप मॉडल मिलता है और सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट दी सनरूफ। अगर आप उतने ज्यादा कंसर्न नहीं है उस सनरूफ को लेके, देन आई थिंक कि आप इस गाड़ी को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, काफी ज्यादा ब्रिलियंट है मुझे लगा ये गाड़ी, और काफी अच्छे से मतलब ये गाड़ी जो है अपने आप को एक स्टैंड आउट बनाती है, क्योंकि इस गाड़ी की जो लेंथ है वगैरह वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, स्पेस वगैरह काफी ज्यादा अच्छा है, इस गाड़ी का माइलेज वगैरह के हिसाब से भी ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे एज कम्पेयर टू दी वरना एंड होंडा सिटी। मुझे लगता है कि आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हो, एंड जो सबसे ज्यादा मेन जो बात है ये है कि इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो भी काफी ज्यादा लो, इट्स मतलब आपको एक पूरा पैकेज मिलता है इस प्राइस पॉइंट पे, तो आई थिंक कि आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हो। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन की व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कार, एंड अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी है किसी भी बाइक या कार को लेके तो यू कैन जस्ट मेल मी ऑन HMO12999@gmail.com,
एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड. दिस इज एच मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ. I keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing.